उत्तराखंड में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से चुनाव में उतरने के लिए जुट गई है, जिसके लिए प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। आप पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि इस बार उत्तराखंड के सभी स्थानीय निकाय चुनाव में सभी पदों के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की तलाश कर रही है, बिना किसी पार्टी के गठबंधन के। अपने दम पर आप निकाय चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी को कई जगहों पर दमदार प्रत्याशी मिले हैं और लोगों की तलाश की जा रही है। इस बार निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। हम संपर्क कर रहे हैं, लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, तमाम जनता से भी ले रहे हैं कि जनता का दुख भी ले रहे हैं कि कोई इसको ये कर सकता है। हम ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी हो, तो आम आदमी ही हमारा इसमें कंट्रोल होगा। वही विश्वास है कि इस बार नगर निगम निगम में हमारा खाता जरूर खुलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने जो कानून व्यवस्था सब प्रॉपर दे दी, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल इस प्रदेश में हो गया है, वो चाहे किसी घुमा दीजिए, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर जनता के आज जो है आम आदमी पार्टी को लगी, क्योंकि सभी में उनके द्वारा जो कार्य किए गए हर आदमी की जेल में उठी है और मुझे विश्वास है कि इस बार आम आदमी जो है आम आदमी पार्टी के साथ। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।